पेट फूलता रहता है, पेट में भारीपन रहता है, खाना ऊपर की तरफ जाने लग गया है, खाना खाते ही पेट में भारीपन, पेट में दर्द रहता है, पेट का अफारा इतना ज्यादा है कि सीने पर भारीपन आकर के आपको कभी कभी सीने में भारीपन दर्द के साथ महसूस होने लग गया है। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, वहां उन्होंने एंडोस्कोपी कराई और एंडोस्कोपी में इरोजिव गैस्ट्राइटिस या फिर एंट्रल गैस्ट्राइटिस या फिर पेन गैस्ट्राइटिस के साथ में अगर हैच पायलोरी, जिसको हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया बोला जाता है, उसका इंफेक्शन आपके पेट में आया, आपके आमाशय में हैच पायलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट बताया गया है, इसके साथ में यदि आपका आमाशय से ऊपर की तरफ खाना जा रहा है तो साथ में GERD भी लिखा गया है, या LES जो है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ढीला बताया गया है, अगर ये सारी चीजें आपके एंडोस्कोपी में बताई गई हैं तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट आज इसके मैनेजमेंट पर बात करेंगे। पूरे तरीके से इसको खत्म करने के दो उपाय होते हैं। पहला उपाय कि आप कैसे भी करके इस ट्रीटमेंट में, आप जिसमें हैच पायलोरी पॉजिटिव आया है, इस हैच पायलोरी पॉजिटिव के केस में, या फिर अगर मान लो आपके एंडोस्कोपी में हैच पायलोरी पॉजिटिव भी नहीं आया, केवल इरोजिव गैस्ट्राइटिस आई, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में, अगर पॉजिटिव है तो भी और अगर पॉजिटिव नहीं है तो भी, आपको इलाज दो कैटेगरी से शुरू करने पड़ेंगे। पहला है दवाइयों का उपयोग करते हुए इस समस्या को ठीक कर लेना, और दूसरा है पेट की सफाई या फिर पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए इस समस्या का पूरे तरीके से निदान करना। अब हम देखेंगे दवाइयों का प्रेजेंस जो है वो, अगर आपका पॉजिटिव था एच पायलोरी बैक्टीरिया अगर था, ऐसे केस में आपको उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट था तो, बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट था तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का उपयोग कराया गया, एंटीबायोटिक दे करके बैक्टीरिया को मार दिया गया। तो एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए देनी होती है इस केस में, 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक चलती है। अब ये एंटीबायोटिक जब ली जा रही है तो ये हमको सबको पता है कि एंटीबायोटिक जो है गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग होता है, आमाशय की दीवारों को इरिटेट कराने का काम करता है। हम वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि ये समस्या कैसे आप पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमने देखा एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक ने एसिडिटी करी, तो उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए आपको साथ में कुछ ऐसी दवा देनी पड़ेगी जो एसिडिटी नहीं करे, एसिडिटी को बैलेंस करने का काम करे। तो ऐसे केस में आपको एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ेगी, एंटासिड्स लेने पड़ेंगे, प्लस एसिड के सिक्रेशन को रोकने वाली दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा इन केस ऑफ अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, एच पायलोरी पॉजिटिव था तब। अगर एच पायलोरी पॉजिटिव नहीं था, मतलब गैस्ट्राइटिस तो आई एंडोस्कोपी में लेकिन बैक्टीरिया नेगेटिव आया, बैक्टीरिया नहीं है, तो अगर बैक्टीरिया नहीं है ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या हुआ है, बैक्टीरिया तो है नहीं लेकिन म्यूकोसल इरोजन्स हैं, म्यूकोसल इरोजन्स हैं, जो दीवार है आमाशय की, ये दीवार खरोची हुई है, उस खरोचने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो गैस्ट्राइटिस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इरोजिव गैस्ट्राइटिस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, एंट्रल गैस्ट्राइटिस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरे वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं किसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। आज हम सिर्फ ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर म्यूकोसल इरोजन्स हैं लेकिन ये बैक्टीरिया पॉजिटिव नहीं था, तो म्यूकोसल इरोजन्स भी अगर हैं, ऐसे केस में अगर एसिड निकला तो एसिड उन इरोजन्स को बढ़ाने का काम करेगा, और वो इरोजन्स अगर बढ़े तो धीरे धीरे करके यही गैस्ट्रिक इरोजन्स, गैस्ट्रिक अल्सर में
बदल सकते हैं। इसलिए यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां एसिडिटी को बैलेंस करने वाली दवाई लेनी पड़ेगी, मतलब एसिड सीक्रेशन को रोकने वाली दवाई जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोला जाता है वो लेनी पड़ेगी, प्लस जो एसिड निकल करके बाहर आ जाता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटासिड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाला प्लान हो जाता है। दूसरा जो प्लान है वो होता है कि हमको दवाइयां नहीं खानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, बिना दवाई के इस समस्या को कैसे ठीक किया जाएगा। बिना दवाई के इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ओरल ट्रैक्ट से लेकर के एनस तक का पूरा ये हिस्सा जो है इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। तो सफाई के लिए आप पूरे के पूरे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की धुलाई सफाई करें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्लूड का इंटेक हो आपका, कोशिश करें मिर्च मसालों के उपयोग से बचें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन डाइट का यूज करें, और अगर आप चाहें तो अल्कलाइन वाटर का यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ ये तो हो गया धुलाई के लिए ये करना है। अब धुलाई को थोड़ा एड ऑन करने के लिए आप आंवला मिश्री का पानी उपयोग में ले सकते हैं, आप दूसरे नंबर पर अमलतास का पानी उपयोग में ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पेट में बहुत ज्यादा फुलावट नहीं आती है तो एक से दो बार सप्ताह में आप त्रिफला का पानी पी करके भी पूरे के पूरे अपने ट्रैक्ट को धोकर के साफ कर दें। एक बार धोकर के साफ कर दें उसके बाद फिर अच्छा खाना जिसको बैलेंस डाइट या इसको अल्कलाइन डाइट कहा जाता है इसका उपयोग करें। तो अगर आपने धुले हुए ट्रैक्ट में अल्कलाइन डाइट बैलेंस क्वांटिटी में ली तो फिर धीरे धीरे करके ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन थे धीरे 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 करके अपने आप ट्रीट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी मानती है बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर स्वतः अपने आप को सही करता है, केवल हम शरीर को मौका दें। मौका का मतलब क्या होगा, जैसे गैस्ट्राइटिस है, दवाई हम लेना नहीं चाह रहे और दुनिया भर का आड़म गड़म खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा देते हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, तो फिर कैसे ठीक होंगे, तो ठीक नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है जो भी अभी तक हमने खा पी करके इसको लोड किया है इसको डिलोड कर दिया जाए, पूरे के पूरे ट्रैक्ट को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए। डिटॉक्सिफाई करने के बाद अल्कलाइन डाइट, ऐसी डाइट जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भारी ना हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर लोड ना बढ़ाए, जो जल्दी पच जाती हो, और आहार के नियमों का पूरा पालन, सवेरे आप जगने के लगभग लगभग विद इन 2 आवर्स आपको कुछ खा लेना है, फिर रात को सोने के 3 घंटे पहले आपको खा के फ्री हो जाना है। ऐसा नहीं कि सोने वाले हैं और आधे घंटे पहले खाना खा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इसके साथ में जो आपके लाइफस्टाइल के करेक्शंस हैं, सवेरे थोड़ा जल्दी जाग जाना, रात को थोड़ा जल्दी सोने के लिए तैयार हो जाना, सो जाना, और उसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेस में आप टहल सकते हो, आप खूब ज्यादा प्राणायाम कर सकते हो, आप अगर चाहें तो कुछ ऐसे आसनों का उपयोग है जो आपके एब्डोमिनल एरिया पर अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा करके इनकी फंक्शनल एबिलिटी बढ़ाने का काम करेंगे। तो योगा फॉर इंडाइजेशन और योगा फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा अलग से वीडियोस हैं, आप इनको देख करके किस तरीके से कौन सा आसन कराया गया है, डेमो वीडियोस हैं, आसन करा करके बताए गए हैं, उनको देख करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये फॉलोअप हो जाएगा आपका नॉन ड्रग इंड्यूस्ड, जिसमें दवाई का उपयोग नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा कि आप कुछ समय के लिए दोनों को कंबाइन कर लें, जैसे अगर सिम्टम्स ज्यादा लग रहे हैं तो कुछ समय के लिए इन दवाइयों का उपयोग करते हुए आप लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट करिए। दवाई के उपयोग से जल्दी से रोग जो है काबू में आ जाएगा, फिर आप लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट रखिए, लाइफस्टाइल को सुधार के रखिए, जिससे धीरे 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 करके आपकी दवाइयां धीरे धीरे करके आप छोड़ देना और जो लाइफस्टाइल आपने फॉलो करना चालू करी है उसको लंबे समय तक बना के रखना। कहा जाता है कि अगर आप आहार और विहार के नियमों का पालन करते हैं तो इससे बढ़िया और अच्छा कोई उपचार नहीं माना जाता है। यदि नियमित इसका फॉलोअप करेंगे तो आजीवन स्वस्थ बने रहने का
भी काम हो सकता है। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को आराम मिले। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।